तुमने मुझसे छुपाया क्योंकि पापा और मेहनाज बातें कर रहे हैं आपस में। वहां मुझे खुद भी नहीं पता था, वो तो उस दिन इत्तेफाक से मैंने उनकी बातें सुन ली थी। जो भी है, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। देखो फहद, ये मेहनाज और यस्तानी जी का मामला है। मुझे तो ये लगा था कि उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हुई उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कि मुझे क्या पता था कि मेहनाज अपने मकसद के लिए उन बेचारे यस्तानी जी को यूज कर रही है। जो भी, मैंने मेहनाज से बड़ा एहसान फरामोश कभी नहीं देखा। मतलब पापा ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया और उसने उनकी अच्छाइयों का ये सिला दिया हमें, और ऊपर से वो छुपा रहे हैं ये सब कुछ। वहां की तो इज़दानी जी का बड़ा पन है ना। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ जो उन्हें शादी से पहले ये सारी बातें पता चल गई। शादी के बाद उन्हें ये सब कुछ पता चलता तो कितना दुख होता उन्हें। जो भी, मैं नाथ को तो नहीं मचूंगा। उसने जो कुछ भी किया उससे ना सिर्फ के पापा की इमेज खराब हुई है बल्कि मेरी और मलिया की जिंदगी भी उसका इफेक्ट आया। नहीं फहार, तुम्हें मेहनाज से बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबका क्या फायदा है, तुम बस जाके मलिया को वापस लेकर आ जाओ और यस्तानी जी के बारे में सोचो। तुमको जिंदगी में ऐसे इंसान की जरूरत है, तूने बहुत मोहब्बत है, कोई ऐसा इंसान जो खुद भी अकेला हो और मोहब्बत की तलाश में हो। मेहनाज जैसे लोग यस्तानी जी को डिजर्व नहीं करते।